out your science book, page number 2. Yesterday we had started reading this chapter, Nutrition in Plants. Today we are going to continue the reading and start the next topic, Photosynthesis. Now children, what do you mean by photosynthesis? Any one of you know the meaning of photosynthesis? You all know that green plants make their own food. Do you know that? Yes, everyone knows that green plants make their own food in the presence of air, water and sunlight. Plant make their own food in the presence of air, water and sunlight. This process in which green plant is making its own food in the presence of air, water and sunlight, this is known as photosynthesis. It means the process of making food is known as photosynthesis, but by the plants. Photo ka matlab kya hota hai? Light. And synthesis ka matlab banana. Light mein banana. Light mein khana banane ko photosynthesis bolte hai. Photosynthesis is a process by which green plants prepare their own food using carbon dioxide and water in the presence of chlorophyll and sunlight. What is chlorophyll? Chlorophyll wo pigment hai plant ka jisse plant mein green color aata hai. Because of chlorophyll, a plant has a green color. If there is no chlorophyll, there will be no green plant green color in the plant. Ye photosynthesis word nikala kisne tha? Ye nikala tha kisne? Inhone. Charles Reid Barnes in 1883. Do you know how plant use solar energy? What is solar energy? The sunlight. Sunlight is the solar energy. Kaise use karti hai plant sunlight ko? Green plants have a substance. Green plants में एक चीज होती है जिससे वो सन की एनर्जी को ट्रैप कर लेती है. इस सब्सटेंस को हम बोलते हैं क्लोरोफिल. क्लोरोफिल ही क्या करती है? सनलाइट को ट्रैप करती है. इट इज अ पिगमेंट विच मेक्स प्लांट लुक ग्रीन. व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन क्लोरोफिल, जब सनलाइट क्लोरोफिल पे पड़ती है, द एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड, तो वो उसे एब्सॉर्ब कर लेती है उस एनर्जी को. क्लोरोफिल मॉलिक्यूल देन रिलीव्स द एनर्जी. द एनर्जी मेक्स कार्बन डाइऑक्साइड वाटर टू कंबाइन फॉर मेकिंग फूड. इसी एनर्जी से प्लांट क्या कर पाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से अपना खाना बना पाता है. ऑलराइट, विच इज स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. एट द सेम टाइम ऑक्सीजन इज रिलीज. अब सबको पता होगा कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ले लेता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है. तो जब खाना बनता है, प्लांट जब खाना बनाता है तो कुछ वेस्टेज भी तो होगा. हम खाना बनाते हैं तो वेस्ट डस्टबिन में फेंक देते हैं ना. तो जब प्लांट अपना खाना बनाता है तो उसका वेस्ट क्या है? उसका वेस्ट है ऑक्सीजन. उस ऑक्सीजन को वो बाहर निकाल देता है. देखो, प्लांट ने कार्बन डाइऑक्साइड ली कहां से? एयर से. पानी लिया कहां से? ग्राउंड से. तो क्या नहीं, और सनलाइट की हेल्प ली, क्लोरोफिल की हेल्प ली, तो उसने खाना बनाया, खाने को बोला ग्लूकोज और साथ में ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया जो हम यूज कर लेते हैं. सो द फॉर्मूला फॉर कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2. द फॉर्मूला फॉर वाटर इज H2O. द फॉर्मूला फॉर ग्लूकोज इज C6H12O6 एंड फॉर ऑक्सीजन इट इज O2. ऑलराइट, वाटर एंड मिनरल्स फॉर फोटोसिंथेसिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सॉइल. पानी कहां से मिलता है? पानी मिलता है जमीन के अंदर से. इट इज एब्जॉर्ब, ये रूट अपने आप पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है. इट इज एब्जॉर्ब बाय द रूट हेयर एंड कैरिड अप बाय द लीफ बाय जाइलम. और इस पानी को लीफ तक कौन लेके जाता है? जाइलम. कौन लेके जाता है? जाइलम. हु टेक्स इट? जाइलम. देखो, दो टिश्यूज होते हैं प्लांट में. कौन कौन से? जाइलम एंड फ्लोएम. ये दोनों क्या करते हैं? जैसे हमारी बॉडी में नर्व्स होती है ना, वैसे ये प्लांट की नर्व्स है. तो एक पानी को लेके जाता है हर जगह और एक खाने को लेके जाता है. जाइलम पानी को लेके जाता है हर जगह और फ्लोएम खाने को लेके जाता है. सो वाटर इज कैरिड टू लीव्स बाय जाइलम. द प्रिपेयर्ड फूड इज टेकन टू ऑल पार्ट्स. जो खाना बनता है वो भी सारे पार्ट्स में ले जाया जाता है. वो कौन लेके जाता है? फ्लोएम. द लीफ ऑब्टेन्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर. लीफ कार्बन डाइऑक्साइड लेती है हवा से. द कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स इन टू लीफ थ्रू टाइनी पोर्स कॉल्ड स्ट्रोमेटा. अब ये कार्बन डाइऑक्साइड अंदर कैसे आती है? जो ये लीफ होती है ना, लीफ के नीचे नीचे वाली साइड पे क्या होता है?
छोटे 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 होल्स होते हैं लीफ में, छोटे छोटे क्या होते हैं होल्स होते हैं नीचे वाली साइड में, उन होल्स को बोलते हैं स्टोमेटा। ये जैसे हमारी बॉडी में नोज होता है ना, हम नोज से हवा लेते हैं, वैसे ही लीफ का नोज है ये होल्स। इन्हीं होल से लीफ क्या लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेती है। तो ये स्टोमेटा क्या हुए, लीफ के नोज हुए, होल्स जहां से वो हवा अंदर लेती है। ऑलराइट, अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक ग्रीन स्टेम एंड ग्रीन ब्रांचेस आल्सो टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रीड द चैप्टर, रीड दिस पेज ऑफ द चैप्टर। व्हाट हैव वी लर्न, वी हैव लर्न व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस, हाउ अ ग्रीन प्लांट मेक्स इट्स फूड, where does it get water from, what is xylem, what is phloem, what is chlorophyll, and what are the formulas for carbon dioxide, water, glucose and oxygen, and last what is stomata. So we have read all about this. You have to read this page and we'll continue the chapter in the next class. You have to take your class very very seriously children, read it, and once you have read you have to send a message that ma'am I have taken my class, or ma'am I am present, so that we can put your present. Bye bye and take care.